तो हमारी इस ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे आज टाइम की कैलकुलेशंस पे। टाइम की कैलकुलेशन मतलब किस तरीके से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने डेट को कैलकुलेट किया था और हमने निकाला था कि कैसे हम डेट को दो डेट के बीच में आपस में हम कैलकुलेशन करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि दो टाइमों के बीच में कैसे कैलकुलेशन होता है। जैसे 10 बज के टाइम कैसे लिखेंगे, तो टाइम लिखेगा सिंपल है कि जो टाइम लिखना चाहे वो टाइम डालिए और मिनट डालिए और कॉलन से उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं 10 डाला तो ये 10 ऑटोमेटिकली एएम हो गया। यहाँ देखिए एएम दिख रहा है। पीएम चाहिए तो आपको पीएम लिखना पड़ेगा, तो पीएम होगा। या फिर 24 आवर का जो टाइम शेड्यूल होता है उसको ले सकते हैं, इसकी 22 बज के 15 मिनट इस तरह। तो ऑटोमेटिक यहाँ देखिए पीएम आ गया। तो ये डेट का फॉर्म है, ये डेट का फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। आप यहाँ जो डिफॉल्ट फॉर्मेट आपका है वो डिफॉल्ट फॉर्मेट, या कि आप कोई और फॉर्मेट है वो फॉर्मेट टाइम में जाके यहाँ से चूज कर सकते। लेकिन अगर आप किसी का डिफरेंस निकाल रहे हैं, जैसे कि मैंने निकाला 45 घंटा 30 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, तो अगर गलती से इसके ऊपर जनरल फॉर्मेट हो गया तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइम डालते ही, जो टाइम है टाइम डालते ही टाइम जो है कुछ इस तरह से रिकवर एक काउंट होता है कि 1 इट मीन्स 24 आवर, समझ गए। तो जैसे कि 1.89 है तो 8 पॉइंट में जो है वो कोई और टाइम है। जैसे मान लीजिए ना कि अगर मैंने यहाँ पे 0.50 कर दिया तो ये देखिएगा आई थिंक दोपहर के 12 बजे का टाइम दिखाएगा। आया दोपहर के 12 बजे का, क्योंकि तो एक का आधा होता है। उसी तरह से 0.25 कर दूंगा तो 6 बजे का टाइम देगा, समझे। 0.75 कर दो तो शाम के 6 बजे। जीरो पॉइंट नाइन फाइव कर दीजिए तो रात के 10 बज के 48 मिनट। तो इस तरह से टाइम को डिवाइड किया गया है। ओके सर, जी तो कभी सर, कभी 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 इसका यूज हम करते हैं। अच्छा, एक बार क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था कि उनको पिवट टेबल में ग्रुपिंग करना है, समझे। पिवट टेबल में ग्रुपिंग करना है, लेकिन जो ग्रुप है उनका वो ग्रुप का जो डेटा है वो आवर में करना चाहते हैं। मैं एक बार वो फाइल ओपन करना चाहूंगा। यही थी ना कुणाल स्पीकर, हाँ यही है। जैसे डेटा है नहीं, ये तो कंट्री कोड था, ये अलग। एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट। वो तो सर एग्जाम्पल है, दिमाग में आया तो मैं सोचा कि आपसे डिस्कस कर लें। पुनीत जी की फाइल है,
तो बात इतनी, मैं डेटा बना देता हूँ। डेट को भी नंबर में किया जाता है, जैसे कि अगर हम 1 जैन और यहाँ पे ई ओ मन दे के 31 जैन लेते हैं तो नंबर में होता है, और इसके अंदर जो डेसिमल लग जाता है वो टाइम होता है। तो मैंने यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मा लगाया कि 44197 से चले 44227। तो ये 1 जनवरी का डेट, कोई भी रैंडम डेट दीजिएगा, लेकिन मुझे डेट प्लस टाइम चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर रैंड का फॉर्मा लगा दिया। रैंड क्या करता है, डेसिमल में देता है, तो ये डेट एंड टाइम इकट्ठा हो गया आपके पास इस तरह से। और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा कर दिया, फिर यहाँ पे हम नेम, बहुत मज़ेदार टॉपिक है सर, दिमाग में आया तो मैं सोचा कि आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक डेटा बना लिया जिसमें डेट एंड टाइम है, एक बार ये बार बार चेंज होता है तो इसको कॉपी करके इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करूँ, मैं यहाँ आता हूँ टाइम में और मैं डेट, सॉरी डेट, नेट अभी बहुत स्लो चल रहा है सर, प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, गांव में हूँ ना अभी, वीडियो भी नहीं चल रहा है मेरा। ठीक है सर, तो यहाँ पे डेट हो गया, नेम हो गया और टाइम हो गया। अब मुझे आज से कि मैंने आपको पिवट टेबल की जब क्लास ली थी, तो पिवट टेबल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए मुझे डेज वाइज ग्रुप करना है, डेज कर लिया और यहाँ पे सेल्स कर लिया, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है इस तरह का। इसमें हम ग्रुप अगर करते हैं, ग्रुप ग्रुप में हम यहाँ आवर मिनट सेकेंड कर सकते हैं कि आवर कर लिया, तो यहाँ पे एक एक घंटे का ग्रुप हो गया सर। अगर हम यहाँ पे डेज करते, डेज हो जाता है, हम यहाँ पे अगर ग्रुप करते हैं और हम दिन करते हैं यहाँ पे कि डेज, आवर हटा देते हैं, बोलते हैं 5 दिन, तो 5 दिन का ग्रुप हो जाता है। बट मुझे ग्रुप टाइम पे ही करना है, लेकिन एक एक घंटे का ग्रुप नहीं करना है, मुझे 4-4 घंटे का ग्रुप करना है, समझे? तो क्या हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने 4 आवर लिख दिया तो इस तरह का दिख रहा है। अगर मैं इसको ग्रुप करूं तो यहाँ पे आपके सामने ये आ जाता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक, ग्रुप, आवर पे यहाँ पे नहीं आता है लेकिन डेज पे आता है। क्या इसमें डेसिमल प्लेसेस डाला हमने? नहीं, इंटीजर इज नॉट वैलिड, यहाँ पे नहीं हो सकता। 0.166 नहीं, तो इस तरह से ग्रुप नहीं कर सकता है। तो उसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन हम करेंगे डेटा के अंदर। तो डेटा में हम यहां पे आवर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से आवर को अलग करेंगे। उसके बाद अगेन इस पे पिवट टेबल लगा के और फिर इस आवर को यहां रख देते हैं और सेल्स को यहां रख देते हैं। अब यहां पे मुझे 4-4 घंटे का ग्रुप करना है, तो यहां पे हम 0 to 23 आ गया, 4 का ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। और इसको अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है कि 12 AM to 3 AM। अब जैसे हम टाइम डाल रहे थे तो टाइम पे ही आते हैं। तो टाइम अगर आपने लिखा 10:20
30 सेकेंड। तो इसके तीन फॉर्मूले हैं, आवर फॉर्मूला इसमें से आवर को अलग करता है, मिनट फॉर्मूला इसमें से मिनट को अलग करता है, और सेकेंड फॉर्मूला इसमें से सेकेंड को अलग करता है, अगेन टाइम फॉर्मूला इन तीनों को आपस में कंबाइन करके टाइम बना देता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम है, उसमें आपको कुछ मिनट्स या कुछ आवर जोड़ने हैं। जैसे मुझे मान लीजिए 30 मिनट जोड़ने हैं। अब 30 मिनट्स को अगर हम टाइम फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम यहां पे इजीली इसमें प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 30 को अगर हमने मान लीजिए कि 30 इस तरह से लिख दिया, जैसे कि हमने बताया कि 1 = 24 होता है, तो 30 इन द नॉर्मल फॉर्मेट हमने लिखा हुआ है, तो ये 30 × 24 एंड देन ऐड होगा। तो यहाँ पे टाइम वाला फॉर्मूला हमारा काम आएगा कि हम इसमें प्लस टाइम और टाइम में 0.30.0 करके हम ऐड करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब दो टाइम, जैसे सुबह 10 बजे जाते हैं आप और शाम को 6 बजे आते हैं, कितना घंटा आपने काम किया, तो लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन वही मैं अगर मान लीजिए कि 3 बजे ऑफिस जाता हूं और रात के 2 बजे ऑफिस से वापस आता, जो दो रात के 2 बजे हैं, तो इसमें से आप दोनों को माइनस नहीं कर सकते, आपको इस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो आपको डेट एंड टाइम लिखना होगा कि आज जो है 15 तारीख के 3 बजे आप ऑफिस गए और 16 तारीख के 2 बजे आप ऑफिस से आए, इकट्ठा लिख लीजिए या दोनों को प्लस कर दीजिए। तो लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के ऊपर आप अपना डेट टाइम का फॉर्मेटिंग डाल दीजिए, आपका टाइम का फॉर्मेटिंग में यहाँ दिख जाएगा। अब कोई पर्टिकुलर टाइम है, जैसे 45 घंटे 20 मिनट की ही बात हो रही थी, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, टाइम में, मिनट में, सॉरी। तो यहाँ हम आवर का, इसको आवर अलग करना चाहते, बोलेंगे सर मैं ऊपर से आवर का फॉर्मूला लगा के अलग किया, तो यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप यहाँ आवर का फॉर्मूला देते हैं, सॉरी आवर का फॉर्मूला देते हैं, तो जस्ट 21 रिटर्न करेगा 45 घंटे, क्योंकि 24 घंटे के बाद 1 हो जाता है, फिर जो बचता है वही रिटर्न होगा ना। तो कैसे करें, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसको ब्रैकेट में एच डालिए और एंटर कीजिए, अब 35 एंटर होगा। देखिए मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इस एच को जगह पे आप एम कर दीजिए, तो वो 45 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा 2720 मिनट। टेक्स्ट फॉर्मूला, तो टाइम की कैलकुलेशन आ गई आपको। कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले उसको देख लेते हैं। डेट हमने पढ़ा था, डेट वैल्यू भी बताया था, मतलब कि अगर टेक्स्ट में लिखा हो तो डेट वैल्यू से ले सकते हैं। डेट डेज डेज 360 पढ़ाया था, ई डेट भी पढ़ाया था, ईओ मंथ भी पढ़ा दिया था, आवर मैंने पढ़ाया, बिकनम वही होता था, बिकनम पढ़ाया था मैंने आपको, मिनट मंथ ये सब पढ़ा दिया था, नेटवर्क डेज भी पढ़ाया ही था। नाउ करंट डेट एंड टाइम दोनों देता है, सेकेंड अलग हो गया, टाइम वैल्यू और बाकी सब इसमें पढ़ा रखा है। हाँ मैं बताता हूँ आपको, दो तीन फॉर्मूले जो कि नहीं पढ़ाया मैंने। पहले आता है नाउ, तो नाउ का फॉर्मूला जस्ट डेट एंड टाइम लेके देता है, क्या लेके देता है, डेट एंड टाइम। बट मुझे सिर्फ टाइम का फॉर्मूला चाहिए, जो कि सिर्फ जैसे टुडे का फॉर्मूला जस्ट डेट देता है, तो मुझे टाइम का फॉर्मूला चाहिए, जैसे टाइम दे डेट एंड टाइम ना दे, तो उसके लिए फॉर्मूला तो नहीं है बट बना सकते। तो बनाने के कई तरीके हैं, क्या है, आप टाइम का फॉर्मूला लें और टाइम के फॉर्मूले में आवर का फॉर्मूला लगाएं, आवर में आप नाउ ले लें, नाउ, फिर आप मिनट का फॉर्मूला लगाएं,
मिनट के फॉर्मूले में अगेन नाउ ले ले, यहां ब्रैकेट क्लोज होना था, आवर का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया ना सर, मिनट का ब्रैकेट क्लोज किया, और यहां हम सेकंड का फॉर्मूला लेते हैं और सेकंड को नाउ, क्या सर इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, टाइम हो गया। यह इतना झमेला करने से अच्छा है कि आप टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएं, टेक्स्ट में दे नाउ कॉमा, फिर इसमें कर दीजिए आप HH/MM/SS और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर, नहीं MMSS होगा, DD गलत कर दिया हमने, टाइम बना, पर टाइम बना के देगा नंबर फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, नंबर में नहीं, तो इसको टाइम वैल्यू फॉर्मूला इस लगा के इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम। ये एक सबसे आसान तरीका है। नाउ फॉर्मूला क्या करता है, डेट एंड टाइम देता है, अगर इस डेट एंड टाइम को नंबर में कन्वर्ट करते हैं जनरल में, तो नंबर है, नंबर डेट है, डेसिमल टाइम है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंट का, इंट का फॉर्मूला क्या करता है, इंटीजर देता है, मतलब कि डेसिमल को रिमूव कर देता है, तो सिर्फ टाइम का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा कि नाउ माइनस इंट नाउ, तो डेट एंड टाइम में से जस्ट डेट को माइनस कर देंगे तो टाइम बचेगा, और उसके ऊपर आप डेट का हम टाइम का हम अप्लाई कीजिए, एक करेंट सिस्टम टाइम निकल के आ गया। ओके, अब किसी को डाउट है इसमें? नो। ओके, तो डेट एंड टाइम की कहां पे कैलकुलेशन, दो कैटेगरी फॉर्मूला हमने कंटिन्यू खत्म किया, टेक्स्ट का और दूसरा डेट एंड टाइम का। नो माइनस फुल जी, आवाज आ रही है? अतुल जी में आवाज आ रही है आपको? तो देखिए प्रैक्टिस कर लीजिए आप, डेट एंड टाइम और उसको सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब प्रैक्टिस आपकी खत्म होगी तो हम आपको जो है एक टेस्ट फाइल देंगे, टेस्ट फाइल की मदद से मतलब कि एक क्वेश्चंस देंगे जो कि सॉल्व करेंगे, तो बेटर से इफ पे दिया था आपको, ऐसे हम इस पे भी देंगे आपको, तो एक बार प्रैक्टिस खत्म कर लें फिर देंगे। तो अगली टॉपिक जो हमारी होगी वो टॉपिक होगी लुकअप एंड रेफरेंसेस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले आप डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आप लोगों के पास कोई डाउट है, किसी तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, ये लेट जो किया था मैंने आज, ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा थोड़ा देर। हेलो, ठीक है, अच्छा इसका स्टूडियो में से नो माइनस होंगे वो डिस्कनेक्ट हो गया सर, ने अभी पूछा था ना, क्या पूछा था, कुछ रिजल्ट आएगा नाउ माइनस, नाउ माइनस तो हम क्या बोला आपने, दोबारे सुना में बताएंगे दोबारा सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, ये नाउ में से टुडे माइनस करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा सर? हाँ, नाउ में से भी टुडे माइनस कर सकते हैं। हाँ हाँ ना, हाँ नाउ तो रिजल्ट आएगा मेरा। हाँ, वो केवल सर टुडे तो आप जानते ही थे, इन एक नया फॉर्मूला था तो नहीं बता दिया मैंने ताकि नया कुछ सीख जाए, टुडे तो है ही।
हाँ हाँ ठीक सर, ठीक है। तो मैं इसकी ठीक है सर, रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ ताकि आप लोग इसको दोबारा से देख लें।